अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टिच हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है वी स्टिच। तो वी स्टिच कैसे बनता है आइए देखते हैं। वी स्टिच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 25 चेन स्टिचेस बना लिए हैं। उसके बाद हमने 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस बना के फोर्थ वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है। उसके बाद एक चेन नीचे छोड़ के अगली चेन में हमने फिर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। यही प्रोसीजर पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक चेन स्टिच छोड़ के अगले चेन में 2 डबल क्रोशे। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद कुछ यूं दिखेगी। सेकेंड रो बनाने के लिए हम टर्न करेंगे काम को। उसके बाद तीन चेन स्टिचेस जो कि एक डबल क्रोशे के बराबर होते हैं। और अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे स्टिच बनाया था हमने एक ही चेन स्टिच में, अब इन 2 डबल क्रोशे के बीच में से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह अगले में भी 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन पिछले वाले 2 डबल क्रोशे के बीच में से हमने स्टिच लेने हैं। तो ऐसे जब हम 2 डबल क्रोशे के बीच में से स्टिच लेंगे तो ये एक वी फॉर्म हो जाएगा। आगे भी बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। 2 डबल क्रोशे बनाने हैं लास्ट वाले रो के 2 डबल क्रोशे के बीच में से। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करेंगे। आगे जितनी भी रोज़ हैं ये बिल्कुल जिस तरह रो 2 बनाई है बिल्कुल ऐसे ही आगे जितनी भी रोज़ हैं वो बनेंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है इस स्टिच में से कि हमने जब भी 2 डबल क्रोशे बनाने हैं तो वो लास्ट वाले के बीच में से हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ताकि जब यहाँ पे स्पेस बनेगी तो वो ऑलरेडी वी बन जाएगा जिस तरह रो 2 में नज़र आ रहा है। तो आइए कंप्लीट करते हैं। पैटर्न कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। बहुत ही सिंपल और डेलिकेट सा पैटर्न है। ये मोस्टली बेबी ब्लैंकेट्स और बेबी फ्रॉक्स में यूज किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।